इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपना नाइट और जो मैं अभी आराम से ऐसा पब्लिकली घूम रहे थे, साबुन वाबुन अपने हिस्से का भी बाय करके उसको यहां पे दे देता है। वो मनी मन सोचते कि पहले ना जो मेरा मेन सिटी है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड सिटी जहां पे मैं रहती हूं, वहीं पे मैं एक्टर यहां पे थी, लेकिन कुछ समय से बॉर्डर सिटी में आके यहां पे रह रही हूं और स्ट्रॉन्ग होल्ड सिटी में वापस लौटी नहीं हूं। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड सिटी के जो थिएटर्स है भाई, स्टेजेस हो गए जिनके लिए मैं काम करती थी, उन्होंने सामने से भाई मुझे लेटर लिखा, मुझे बोला कि वापस आ जाओ भाई, तुम्हारे बिना हमारा काम धंधा यहां पे बिल्कुल भी चल नहीं रहा, या तुम बहुत ही बड़ी एक्टर हो यहाँ पे आगे काम काई को कर, क्योंकि भाई यहाँ के जो भी एक्टर्स है ना थर्ड रेट है, वही एक्टिंग करना नहीं आता, और जो लोग भी ना वो अनपढ़ जाहिल भाई उनका भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन मुझे खुद वहाँ पे जाने का ऐसा मन नहीं कर रहा सामने से। तभी है ना ये गिफ्ट यहाँ पे एक बक्सा निकालता है अपना नाइट और निकाल के देता है और कहती है भाई ये देखो, वो भी कहती है भाई इसमें क्या है, तो बक्सा खोलती है, जैसे खोलते ना ऐनक था अंदर भाई, वही ऐनक जो कि पीछे एपिसोड में अपने प्रिंस ने यहाँ पे तैयार किया था। सामने से नाइट कहता है केवल ये बड़ा कमाल का इन्वेंशन है, ऐनक नहीं पहले भी होते थे लेकिन हमारे प्रिंस ने काफी एवॉल्व वाला यहाँ पे किया, जिससे लिटरली आप अपना इमेज और भी अच्छे क्लियर तरीके से देख सकती हो, देख रही हो कितना सुंदर लग रही हो। याद जब पहली बार यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करने आई थी उस दिन जितना सुंदर लग रही थी ना, आज उससे भी ज्यादा सुंदर यहाँ पे लग रही हो। तो प्लीज मेरे साथ एक बार और डिनर पे चलोगी सामने से? फिर आई डोंट नो इसने हाँ बोला या ना बोला, बस ये अपने घर में पहुंचती है जिस घर में रह रही थी ये बॉर्डर सिटी में, एक लेटर यहाँ पे लिखती है भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड सिटी के जो लोग जिसको वापस बुला रहे थे ये कहते सॉरी यार आपने मुझे वापस बुलाया तो, लेकिन अभी के लिए मैं वापस यहाँ पे आना नहीं चाहती, ऐसा नहीं कि मैं बिजी यहाँ पर, मैं बड़ी कमाल की एक्टर हूँ, एक्टिंग बहुत ही अच्छी कर लेती हूँ, तो बस मैं एक्टिंग करती रह गई। मेरी जो अपनी भी एक जिंदगी है उस जिंदगी में भाई खुद को कैसे एक्ट यहाँ पे करने का उसका मुझे एहसास नहीं हुआ, इसलिए अभी के लिए जो एक्टिंग वाला मेरा करियर है ना उससे अलग होकर मेरी अपनी जो पर्सनैलिटी है ना उसकी जिंदगी यहाँ पे मैं जीना चाहूंगी। कोई बात नहीं, आऊंगी बहुत जल्दी लौटूंगी, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम यहाँ पे लगेगा। उसको यहाँ पे शिंशुदा प्रिंस के ऑफिस में जहाँ पे यही अपना नाइट आता है और सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता है कि देखो ऐसा ऐसा पूरा ट्रेनिंग वगैरह चालू है, बहुत जल्दी और भी नए सोजेस की एडमिशन हो जाएगा तो हम लोग करेंगे। और प्रिंस का भी पूरा रूप रंग यहाँ पे चेंज हो चुका, बाल का स्टाइल चेंज कर लिया, हमेशा नाइट के कपड़े में रहता था लेकिन फॉर्मल कपड़े में था, और दाढ़ी वाड़ी मूछ वगैरह भी सब इसने बना लिया था। जो टकला यहाँ पे था ना अभी पूरा वो पहचान ही नहीं पाता, वो प्रिंस से कहता है प्रिंस ये कौन सा नया नाइट आया, प्रिंस भी कहता है आई डोंट नो लेट मी चेक, सामने से नाइट चला दिया, भूल गए आपका सबसे बड़ा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे भरोसे वाला नाइट जो आप यहाँ पे ठहरा। जो सुनते ही सामने से प्रिंस कहता है औरत के चक्कर बाबू भैया, औरत के चक्कर, औरत के लिए यहाँ पे चेंज हो गया। टकलू भी कहता है यार यंग होने का बात ही अलग होता है, मैं तो सोचो भाई मैं भी अपना हेयर स्टाइल यहाँ पे चेंज कर लूँ। सामने से नाइट कहता है यार टकला यार आपके सिर पे बाल ही नहीं है भाई क्या चेंज करोगे, और प्रिंस भी यार आप भी आउट ऑफ टॉपिक यहाँ पे जा रहे, काम की बात पे आते हैं। प्रिंस भी कहता है या सीधा काम की बात पे आते हैं, तो जो तूने बोला था ना या जाके अपना काम कर, और टकलू महाराज ये लीजिए भाई सामने से इसमें जो काम लिखा ना अब वो काम जाके यहाँ पे कीजिए। सामने से नाइट कहता है सुनिए ना यार मुझे मतलब मिस में द्वारा मुझे मालूम बेसिकली चला है जो किंग सिटी यहाँ पर है ना वो किंग सिटी में जो परफ्यूम यहाँ पे होता है ना 5 सोने के सिक्के में यहाँ पे बिकते हैं, और परफ्यूम बनाने के लिए मेन गन्ना का जो लकड़ी है ना वो यूज करते हैं। आई डोंट नो हमारे यहाँ रियलिटी में होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ गन्ने का बेसिकली यूज होता है। वो ये बता दें कि हमारे पास जो गन्ना का प्रोडक्शन है ना वो काफी हाई क्वांटिटी में होता है, तो आप ना गन्ना उनके पास बेच के ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। जो सुंदर प्रिंस भी कहते हो माय गॉड 5 सोने के सिक्के एक परफ्यूम की बोतल का, ओहो यार फिर तो वाकई में बिजनेस बढ़िया होगा। तो टकलू से कहते हैं वाकई में टकलू यार इससे रिलेटेड हम कुछ कर सकते हैं ना, टकलू कहते हैं कि भले हाँ जो किंग सिटी यहाँ पे होता है ना किंग सिटी में यहाँ पे बनता है वो बनाने के जो प्रोसेस काफ़ी बड़े चौड़े होते हैं जिस चक्कर में काफ़ी महंगे यहाँ पे बिकते हैं, और मुश्किल से 1 साल में ना 1000 के आसपास यहाँ पे करे क्रिएट होते हैं, जिस चक्कर में जो अमीर लोग ना अमीर लोग यहाँ पे ले पाते हैं, लेकिन किंग सिटी के बाहर अगर बिके ना तो जो 5 सोने के सिक्के ना उससे ज़्यादा महंगे वगैरह बिकते हैं। तो ऐसा ना हो जिसलिए जो कंपनी है ना भाई अच्छा खासा मेहनत यहाँ पे करती है, अपने अच्छे खासे बंदे को लगाती है ताकि ज़्यादा महंगा एक्स्ट्रा दाम में लोगों को पब्लिक को बुद्धू बना के बेचा यहाँ पे ना जाए। अगर आपको यहाँ पे अगर बेचना है तो आप खुद को प्रोड्यूस यहाँ पे कर सकते हो, तो अगर आपको ऐसा उसका रेसिपी वगैरह मालूम है तो ये भी सोचते भाई रेसिपी तो बड़ा आसान है भाई, जैसे साबुन बना तो भाई बस वैसे ही बनाना है। हाँ एग्जैक्टली साबुन जैसा नहीं, साबुन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलाता हूँ, उसको निकाल देना, मुझे गन्ने का जूस यहाँ पे लेना है, साथ में कुछ फ्लावर लेना है, पानी यहाँ पे लेना है, उसको आपस में मिक्स करके अपना थोड़ा सा केमिकल यहाँ पे मिला देना है, बन गया परफ्यूम। बनाने का ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं लेकिन बेचने से फायदा ही फायदा होगा। इसके बाद से भाई जो टमाटो सॉस हो गया, सोया सॉस हो गया, और अलग अलग जो सॉस सोते ना सॉसेस भी बना दूंगा, हालांकि ये ज्यादा महंगा नहीं बिकेगा लेकिन सस्ता बिकेगा, जो गरीब लोग वो भी ले पाएंगे और उनको भी खाने में एक नया ही स्वाद यहाँ पे आ जाएगा। मतलब बढ़िया भाई, मुझे सारा बिजनेस यहाँ पे करना चाहिए। रात का समय होता है, जो यहाँ पे मार्केट थी ना वो अपने सारे बिजनेसमैन दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठी थी, उसके सारे दोस्त पीके टल्ली हो चुके थे, ये भी कहती बस करो भाई कितना पीके टल्ली हो गए, मुझे प्रिंस से बात करने दो। हाँ तो प्रिंस सामने से अपने जो परफ्यूम का बिजनेस यहाँ पे बोला ना, या आई लाइक इट यार, मुझे उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है।
जो सुंदर प्रिंस भी कहता है ये आपका शुगर इसमें कॉपरेशन करने के लिए। सामने से फिर मार्गरेट ये भी कहती है हाँ आपने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता करने को बोला था तो मैंने अपने जासूस को भेज कर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता कर लिया है। हाँ तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये था जो एवरविंटर नाम का जो किंगडम यहाँ पर है, हमें मालूम है बहुत पहले चर्च ने उसके ऊपर यहाँ पे कब्जा कर लिया है, उसके वास्ते जो वुल्फहार्ड का जो किंगडम यहाँ पर है ना एक और किंगडम दूसरा है। बेसिकली उनको भी ऐसा आइडिया लग रहा है जो चर्च वाले ना चर्च वाले खाली ये किंगडम के ऊपर नहीं बल्कि एक एक जो भी किंगडम है वो सारे किंगडम यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए उनका ये कहना है बाकी किंगडम को मैसेज दो कि हमको भी साथ मिलकर कॉपरेशन करके जो चर्च है ना चर्च को हराना पड़ेगा वरना ये हम सब पे कब्जा कर लेंगे। जो सुंदर सामने से प्रिंस का था तो जो हमारा किंग जो मेरा सेकंड भाई यहाँ पे बना उसका क्या रिस्पॉन्स दिया, वो मदद करने को तैयार हुआ। जो सुंदर ये बताती है कि विल नहीं यार सामने से प्रिंस तो अपने काम धंधे पे यहाँ हुआ लगा पड़ा, जो प्राइम मिनिस्टर उसके अंडर में काम करता है उसने ये रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया, वो तो आराम से अपने बंदों के साथ ना ईस्टर्न एरिया में यहाँ पे घूमे जा रहा है, वहाँ पे ढेर सारी सिटी वगैरह पैसा कब्जा किए जा रहा है और आज किया जा रहा है और लूटे जा रहा है। यार हमारे भी ढेर सारे जो शिप वगैरह बिजनेस करने के लिए वहाँ पे गए थे उनको भी उन सालों ने यहाँ पे लूट लिया, और ऐसा नहीं खाली सामान लूटते बंदों को छोड़ देते यार बंदों तक को भी यहाँ पे जान से मार डालते, इतने निर्दय आदमी ऐसा लगो। तो सामने से ये पूछता है प्रिंस की वेल तो लोग जैसे कब्जा यहाँ पे कर ढेर सारे रिफ्यूजेस हो जाते हैं जिनको रहने का परमिशन नहीं मिलता वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, उनका क्या हुआ। जो सुंदर इसके दोस्त लोग बताते उनका क्या होगा, वो लोग दर दर के ठोकरे खाते हुए यहाँ से वहाँ भटक रहे। अच्छा तो आप उनको अपने पास लाना चाहते हो, अपना गुलाम यहाँ पे बनाना चाहते हो। देखो यार वो लोग पुष्पा जैसे यार झुकेंगे नहीं, मतलब गुलाम नहीं बनेंगे क्यों ना एंड में यहाँ पे मर जाए। जो सुंदर सामने से प्रिंस कहता नहीं यार मैंने गुलाम बनाने के बारे में यहाँ पे बोला भी नहीं है, उनको अपने बॉर्डर सिटी में लाऊंगा यहाँ पे रहने के लिए घर दूंगा और खाने पीने के लिए काम भी करने के लिए सब कुछ यहाँ पे दूंगा यार, तो मतलब गुलाम बस उनको यहाँ पे बनाने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर सामने सो भी कहता ओहो अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ तो फिर तो सामने सलाह तक तो लोग भी खुशी खुशी आ जाएंगे, और जो भी रिफ्यूजीज है ना उसमें मैक्सिमम छोटे बच्चे औरतें यहाँ पर, आदमी को तो भाई ऐसी भी जान निकल जाती है, हु केयर अबाउट मेंस लाइफ। तो सामने से समझ गया प्रिंस का तो समझ गया, कुछ बंदों को भेज के अभी उनके बारे में पता करके बुलवाता हूँ, तो जो किंग सिटी है मुझे वहाँ से आकर परमिशन मांगनी पड़ेगी क्या भाई उनको अपने पास लेने के लिए। जो सुंदर लोग कहते नहीं भाई किंग सिटी वाले तो चाहते कि आप ही उनको ले लो, क्यों भाई किंग सिटी अगर ले लेंगे ये उनको खिलाने पिलाने का काम देने का खर्चा भाई वो हो जाएगा, कंजूस लोगे भाई आप ही खाली उनको सपोर्ट कर सकते हो। ये भी कहता है गुड 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 गुड, तो अभी अपने बंदे को भेज के उनको यहाँ पे लेवा लूंगा। सामने से मार्केट के यहाँ लेकिन वो एक दो बंदे नहीं हजारों बंदे रहेंगे, इतने सारे बंदों को टेलीपोर्ट करने के लिए भाई आपको अगर जहाज से लाओगे तो भाई शिपिंग लगेगा तो भाई वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, घोड़ा गाड़ी लगेगा सब मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, समझ गए, थोड़ी बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी वो भी आप दे देगी। जो सुनते सामने से प्रिंस भी कहता है यार तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वो कहती ना शुक्रिया क्या बात है आपके साथ ना स्टीम इंजन का बिजनेस करती हूँ ना, हाँ तो उसके पैसे कम दूंगी बदले में ये मदद यहाँ पे कर दूंगी, चलेगा ना। प्रिंस का मूड हल्का सा डाउन हो जाता है, कहता चलो कोई बात नहीं इस बार तुम ही फायदे में जा रही हो, उठा लो मेरे मौके का फायदा, लेकिन चलो भाई इस बार का जो भी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंप देता हूँ सारे बंदूक लाने का, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।